मेरी कुछ दिनों से तबीयत ऊपर नीचे हो गई, तो कुछ प्रोग्रामों की तरतीबें, बाज़ जगह माजरत हुई, बाज़ के वक्त तब्दील करने हुए, इन दोस्तों को भी थोड़ी इस लिहाज से दुश्वारी हुई। उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी कोशिशों को, काविशों को इखलास का जज्बा अता फरमाएगा और फिर उस इखलास की बरकत से अल्लाह ताला कबूलियत भी नसीब फरमाएगा। चंद एक गुजारिशात आपकी खिदमत में अर्ज़ करनी है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में हमारा हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ रिश्ता बयान फरमाया, इरशाद फरमाया कि अन्नबी व औला बिल मुमिनीन मिन अन्फुसिहिम, फरमाया नबी करीम अलैहिस्सलाम मोमिनों से उनकी जानों से भी ज़्यादा करीब हैं। अज़ीज़ दोस्तों, बहुत सारे दुनिया में रिश्ते इंसान के होते हैं, लेकिन कुछ रिश्ते बहुत गहरे एहसास के रिश्ते होते हैं। उन सब रिश्तों में हमारा सबसे हसास रिश्ता नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ, और कुरान मजीद ने फरमाया कि ये महबूब तुम्हारी जानों से भी तुम्हारे ज़्यादा करीब है। आज तक कोई नहीं बता सका कि जान इंसान के जिस्म के कितना करीब होती है, तो जो जान से भी ज़्यादा करीब। नबी करीम अलैहिस्सलाम अपनी उम्मत के लिए बहुत ज़्यादा एहसास फरमाते हैं। ये जो हर उन्वान पर आपको नबी पाक अलैहिस्सलाम के इरशादात मिलते हैं, तालीमात मिलती हैं, तरबियत मिलती है, उसकी भी वजह यह है कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम बहुत एहसास फरमाते अपनी उम्मत का, जगह जगह पे समझाते, कायल करते। हमारे अंदर जितनी भी कमज़ोरियां हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम ने उन सब की निशानदेही फरमाई। जिन रस्तों पे हमें चलना था, उन सब रस्तों को वाजे करके खोल के हुजूर ने बयान फरमाया। उसका नतीजा ये निकला कि उम्मत मुस्लिमा के पास निसाबे ज़िंदगी इतना ज़्यादा है कि किसी से भी कोई चीज़ मुस्तार नहीं लेनी पड़ेगी, किसी से भी कोई चीज़ उधार नहीं मांगनी पड़ेगी। सारा कुछ रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने हमें अपने फ़जल से और अपनी रहमत से अता फरमाया, और उस पर नबी पाक अलैहिस्सलाम का अपना फरमान शाहिद है। करीम फरमाते हैं कि मेरी और तुम्हारी मिसाल उस शख्स की तरह है जिस आदमी ने आग रोशन की थी तो पतंगे उसमें गिरते थे, तो वो उन पतंगों को रोकता था कि तुम अगर आग में गिरोगे तो जल जाओगे। वो बार बार उधर जाते थे, गिरते थे। हुजूर फरमाते हैं तुम भी ऐसे काम करते हो जो तुम्हें दोजख में ले जाएंगे, और मैं तुम्हें सीना बंद से पकड़ के खींच खींच के कहता हूं ये काम ना करो, दोजख में जाने वाला, तुम्हें बचाने की तदबीरें करता हूं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जो तबलीग है वो भी उस तरह नहीं है जिस तरह आज मेरी तरह के लोग तबलीग करते हैं, कि उसमें बाज़ जगह पे जारहानापन भी पाया जाता है, शिद्दत भी पाई जाती है, और बाज़ जगह तबलीग व इशाअत से ज़्यादा प्रोटोकॉल और शोहरत का दखल होता है। नबी पाक अलैहिस्सलाम की जो तबलीग है उसमें निहायत दर्द है, निहायत एहसास है। कभी आपने देखा है कि माँ जब अपने बेटे को समझाना चाहती है या बाप अपने बेटे को समझाना चाहता है तो उसे सामने बिठा के जुमलों की उम्दा और आला तरतीब के चक्कर में नहीं पड़ता, बल्कि उसकी ख्वाहिश होती है कि किसी भी तरीके से मेरा बेटा बुरी आदत को छोड़ दे। उसके लिए वालदा रोती भी है, गुजारिश भी करती है, समझाती भी है, बाप उसके लिए बड़ी जद्दोजहद भी करता है, और बेटे को ये भी बताता है कि बेटा मैंने तो सारी ज़िंदगी तेरे नाम कर दी और मैं ये चाहता हूँ कि तू समझ जाए, तेरे अंदर तब्दीली आ जाए। बड़ी कोशिश करता है वालिद, और बेटा अगर वादा कर भी ले कि अब्बा जी आज के बाद शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, तो फिर भी वो मुतमईन नहीं होता, बल्कि हमने देखा है कि वो रात को मुसल्ले पे बैठ के माँ बाप रोते हैं, या अल्लाह हमारी कमाई ना कहीं सारी चली जाए। कोशिश करते हैं, शिद्दत एहसास है।
हुजूर अलैहि सलातो सलाम का उम्मत के साथ चूंकि बड़ा हसास रिश्ता है, तो तबलीग दीन में आपको शिद्दत एहसास मिलेगा, शिद्दत एहसास। हुजूर अलैहि सलाम की ख्वाहिश है कि लोग ऐसे काम करें कि जन्नत में जाएं, लोग ऐसे काम करें कि अल्लाह का कुर्ब पाएं, मेरी उम्मत ऐसे काम करे कि दुनिया में इमामत का फरीजा सर अंजाम दे, ये इस तरह के हो जाएं कि इनका तर्ज ज़िंदगी सब के लिए मिशाल राह हो, ये सबसे कामयाब तरीन वक्त गुजारे। उसके लिए नबी पाक अलैहि सलाम इरशादात फरमाते, समझाते, कायल करते, तबलीग करते। और फिर रात को हुजूर रोते भी कि अल्लाह इन्हें हिदायत का नूर अता फरमा, उनके लिए साथ दुआ भी फरमाते। आप हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका को कभी देखें तो एक बात कहने लगा हूँ, उस पर आप गौर करेंगे तो सीरत में आपको उसकी गवाही मिलेगी। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने हमेशा यक तरफा खैर खाई की बात की, दो तरफा नहीं। ऐसा नहीं कि मैं खैर खाई करूं तो जवाब में फिर सामने वाला भी खैर खाई करे, ये नहीं। नबी पाक की सीरत में आपको ये मिलेगा कि करीम ने हमेशा खैर खाई की है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खैर खाई की है, जवाब नहीं मांगा कि मैं कर रहा हूं तो जवाब में वो लोग भी खैर खाई करें। शिद्दत एहसास ऐसा है कि सिर्फ मुसलमान हो जाए, कलमा पढ़ लें, दीन में आ जाए, ये अपने इखलाक को, किरदार को, रवैयों को दुरुस्त कर लें, इनके अंदर मुस्बत तब्दीलियां आ जाएं, बस ये एक ख्वाहिश है। आप देखिए जनाबे वाक्षी आ गए कलमा पढ़ने, हजरत अमीर हमजा रदी अल्लाह ताला अन्हु को इन्होंने शहीद किया, और वो शहादत इतनी दर्दनाक है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने गोया सबसे ज्यादा आंसू ही शायद उस वक्त बहाए हों जब हजरत अमीर हमजा की शहादत हुई, और वो दर्दनाक है। उनको बड़ी तकलीफ के साथ इन्होंने शहीद किया और फिर अजियत उसके बाद भी जारी रखी, तो वो एक दर्दनाक पहलू है। लेकिन ऐसा शख्स आपके सामने आके खड़ा हो जाए जिसकी दी हुई तकलीफ को आपने बड़ी शिद्दत से महसूस किया हो, तो हमारे यहां तो माफ करने का मिजाज ही नहीं, तबीयत ही नहीं। वो 30-40 साल पहले जब हमारी शादी होने लगी थी तो उस वक्त कहीं ससुराल वालों ने कोई एक बात कर दी थी, उम्र बीत गई, अब बच्चे भी ब्याह गए, पर हम वो बात भूलने को तैयार ही नहीं। जब लड़ाई शुरू होती है बात वहीं से शुरू करते हैं, वो तेरे अब्बा ने ये कहा था, भाई अब छोड़ भी दे, अब तो दूर बात बड़ी दूर निकल गई, माफ़ कर दे, जाने दे, हम तो ज़िद पाल लेते हैं और इस कदर ज़्यादा शिद्दत करते हैं कि वो कोई ऐसे महसूस होता है कि जैसे कोई हमने कभी गलती की ही नहीं, तो लिहाजा सामने वाले ने किया तो माफ़ भी नहीं करेंगे। वो जनाब वाक्षी आए और सारी बात का खुलासा ये है कि उन्होंने अर्ज़ किया कि मेरी भी माफ़ी हो जाएगी, मुझे भी दरगुजर कर दिया जाएगा, मैं भी कबूल हो जाऊंगा। तो करीम फरमाने लगे तू सच्चे दिल से कलमा पढ़, हम तुम्हें भी माफ करने को तैयार। इसलिए कि वो जो शिद्दत एहसास है, शिद्दत एहसास उसको समझे। उम्मत बाज़ चीजों को समझती नहीं, गौर नहीं करती। हमारा ज़्यादा वक्त दीन को मनाने में गुज़र गया, मिलाद मनाया, मेराज मनाया, बुज़ुर्गों के उर्स मनाए, हमने जनाब फलां चीज़ मनाई। ओ भाई अपनाएंगे कब? फ़कत मनाएंगे, आप अपनाएंगे कब? दीन तो अपनाने के लिए आया, जिस चीज़ का पता चल गया उस पर अमल करो, जो चीज़ हम तक आ गई है उसके मुताबिक अपने आप को बदलो। लोग जाके पीर साहब से कहते हैं हजरत मैं बदलना चाहता हूँ कुछ बताएं, तो कई दफ़ा परेशानी होती है कि जनाब इतना कुछ तो बताया है अभी तक तो बदले नहीं, अब और क्या बताएं, हर मौजू पर तो बताया है, हर उनवान पर तो तफसील दी है, हर हर
जो है पहलू उस पर तो गुफ्तगू करने की कोशिश की है अपनी बिसात के मुताबिक। अब क्या मतलब, हम नई चीज क्या चाहते हैं? शर्त यह है कि हम उस एहसास को महसूस करें। आप सहाबा किराम अलैहिम रिदवान को कभी देखें ना, तो जिस एहसास की शिद्दत के साथ हुजूर उन्हें दीन बताते थे, उसी शिद्दत के साथ, एहसास की शिद्दत के साथ वो कबूल करते थे और उस पर अमल करते थे, उसी तवानाई के साथ, उसी अंदाज के साथ। यानी कोई लैतुल आला नहीं, कोई तबसरा नहीं, बिल्कुल सादी सी बात है। हुजूर अलैहिस्सलाम अगर मस्जिद अक्सा की जानी, बैतुल मुकद्दस की जानी मुंह करके नमाज पढ़ रहे हैं तो बिस्मिल्लाह, और अगर सरकार ने दौरान नमाज ही रुख अनवर बैतुल्ला शरीफ की तरफ मोड़ लिया है, खाना काबा की तरफ, तो तबसरा फिर भी कोई नहीं। बस जहां तेरी झलक देखी वहीं डूब गए, कोई तबसरा नहीं। अगर इस तरफ कहेंगे तो ठीक है, इस तरफ कहेंगे तो, यहाँ तो लोग हिकमतें पूछते हैं, कहते हैं कि बताएं इस्लाम ने सूद मना किया है तो वजह, भाई वजह क्यों बताएं? गुलाम भी वजह पूछते हैं, गुलाम भी वजह पूछते हैं। आप अपने खादिम से कहें जा 5 किलो चीनी लेके आ, तो वो आपसे कहे क्या करनी है, 2 किलो मंगा लो, तो इजाजत देते हो पूछने की? एक तरफ गुलामी का दावा है नबी पाक की और दूसरी तरफ हिकमतें पूछते हो, ये क्या बात हुई? आपने रखा हुआ ना खादिम, गाड़ी ड्राइवर रखा है, तो आपने गाड़ी को खड़ा किया है पेट्रोल पंप पे, तो आपने उससे कहा 10,000 का पेट्रोल डाल दो, तो कहने लगा ना जनाब 5 का डलवाएं, तो आप उसे इजाजत देते हैं ये कहने की? तो फिर वो अगर आपसे पूछे 10 का क्यों डलवा रहे हो, तो आप कहेंगे पैसे भी मेरे, गाड़ी भी मेरी, तुझे चलाने का कहा है, जो काम का है ना वो ध्यान से कर। ये बड़े अजीब किस्म के आजकल हमारे दावे हैं, इल्ला माशाल्लाह गुलामी के। लोग कहते हैं पहले हिकमत का पता चले फलानी चीज़ नाजायज़ क्यों और फलानी जायज़ क्यों। भाई ये तो कलमा पढ़ने से पहले की बातें हैं, जब कलमा पढ़ लिया तो फिर तो गुलामी गुलामी है। इमाम अहमद बिन हम्बल ने गुलाम खरीदा, घर लाए तो फरमाने लगे तेरा नाम क्या है? कहने लगा हुजूर गुलामों का नाम नहीं होता। बस आप इशारा कर देंगे मैं समझ गया हूं कि मुझे पैगाम आ गया। फरमाया खाएगा क्या? अर्ज करने लगा हुजूर गुलामों के नखरे नहीं होते, जो टुकड़ा मिला। इमाम साहब कहते मुझे वजद हो गया गुलाम की बात पर। मैंने कहा ये कमरे हैं, कोई पसंद कर ले, कहाँ रहोगे? तो कहने लगा हुजूर जहाँ आपने कहना है सो जा, चुप करके सो जाऊंगा, सानू कैद सज्जन दा गहना है, वो जिंज रखे असा उंज रहना है। गुलाम और कहानियाँ और बातें, जिस शिद्दत एहसास के साथ हुजूर ने तबलीग फरमाई, उसी एहसास की शिद्दत के साथ सहाबा ने अमल किया। नबी करीम खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं जुमे का, एक सहाबी खड़े हो गए तो करीम ने फरमाया बैठ जाओ। बड़ी सादी सी बात थी, आम सी बात थी, एक शख्स खड़ा हो गया, हुजूर फरमाने लगे बैठ जाओ। एक सहाबी गली में थे, उनके कान में आवाज़ आई बैठ जाओ, वहीं बैठ गए। एक बनू घनम में थे, अभी कबीला बनू घनम के करीब, उनके कानों में आवाज़ आई बैठ जाओ, तो वो वहीं बैठ गए। कोई किसी जगह थे, उनके कानों में आवाज़ आई तो बैठ गए। तकमील नमाज पर हुज़ूर ने फरमाया आप कहाँ थे, आप कहाँ थे, आप कहाँ थे? अर्ज़ करने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपने फरमाया बैठ जाओ, तो बैठ गए। फरमाया बैठ जाओ तो बैठ जाए, तो हुजूर फरमाने लगे ना आपसे कहा, ना आपसे कहा, ना आप, मैंने तो फलां से कहा था। अर्ज़ की हुजूर आपने नाम तो नहीं ना लिया? आपने कहा बैठ जाओ तो सारे ही, क्योंकि ग़ुलाम तो शिद्दत से बात मानते हैं, लेकिन यहाँ ग़ुलाम हैं, मुसलमान हैं, दावा है, और जब बात बारी अमल की आती है तो फिर कमज़ोरी है, पिलपिलापन है, लहजों में लफ्ज़ों के अंदर सुस्ती है, गफलत है, और बात करते हैं तो वो उसमें ये है कि कर लेंगे, शुरू करने लगे हैं, आप दुआ करें, बस इरादा मेरा भी बन गया है, थोड़ा ही टाइम रह गया है, बच्चों की शादी हो जाए। ये ग़ुलामी नहीं, ग़ुलामों का ये मिजाज नहीं है। जैसा कि मैंने कहा था ज़्यादा बातें नहीं करनी, बड़ी जल्दी समेट दूँगा। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम
गुजर रहे थे बस राह से, एक आदमी का बहुत ऊंचा घर देखा, कुछ भी नहीं कहा सरकार ने, बस जरा पसंद नहीं किया, चेहरा मुबारक पे ना नाराजगी के आसार है, बस पसंद नहीं किया हुजूर ने। आपकी तवज्जो है मेरी बात पर? एक होता है वाजे हुक्म होना, एक होता है बंदा मर्जी समझ ले कि महबूब की मर्जी क्या है, वो रजा समझ ले कि वो किस बात में राजी है किस में नाराज है, वो उस मर्जी को। बहुत सारे लोग कहते हैं जी अब्बा जी हुक्म करें जी, वो जैसे कहेंगे मैं करूंगा, तो मैं कहता हूं करें क्यों जी, आपको अब्बा जी की मर्जी का पता नहीं वो क्या चाहते हैं? आप अम्मा जी से कहें जी जैसे कहेंगे मैं, भाई अम्मा जी को कहना क्यों पड़ा है, आपको पता नहीं वो क्या चाहती हैं? आप तो भांप लें मर्जी पे। दो किस्म के होते हैं ना लोग, एक लोग कहते हैं मैं पूछ के आया हूं, तो भाई आपने कहा था जाऊं तो वो क्या कहते ना जाओ, मैं इजाजत लेके आया हूं, भाई आपने मांगी थी तो देनी तो थी इजाजत। एक इजाजत होती है एक मर्जी होती है, वो मर्जी क्यों नहीं आप तलाश करते, वो भांपते क्यों नहीं? मार्फत इलाही ये है, हुजूर की गुलामी ये है कि बंदा ना उस मकाम तक पहुंच जाए कि रब रसूल की रजा क्या है, फिर अपने आप को उस रजा में वो ढालना शुरू कर दे, उसकी तबीयत हो वो ढल जाए, उसका मिजाज बन जाए। तो अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम गुजरे तो वो मकान बड़ा ऊंचा उन्होंने बनाया था, हुजूर के चेहरे पे नाराजगी आई, लोगों ने बताया कि हुजूर गुजरे तो आपका वो मकान पसंद नहीं आया। जायज है अगर किसी के पास हलाल पे जितना मर्जी ऊंचा बनाए, जायज होना भी और बात है और हुजूर की पसंद होना ये भी और बात है। बहुत ऊंचा था बुलंदो बाला था, हुजूर गुजरे पसंद नहीं आया, तो सहाबी ने जाके पूछा नहीं यार रसूलल्लाह क्या करूं, गिरा दूं रखूं कि ना रखूं, बेच दूं? हुजूर को नहीं पसंद आया, जिस शिद्दत से तबलीग हुई उसी शिद्दत से फरमा बरदारी, नहीं पसंद आया। उन्होंने कुदाल पकड़ा, कई पकड़ी औजार पकड़े, सारा मकान गिरा दिया, बहुत ना रखा जितना जरूरत का था, बाकी ऊपर से सब गिराया। फिर आके बताया नहीं, नंबर नहीं बनाए कि वो जी आपको नहीं पसंद था तो मैंने गिरा दिया, ऐसा नहीं किया। मिसाल दे रहा हूँ, हमारे यहाँ लोग करते हैं ना जी कोई काम करके फिर उनको अपने नंबर भी शुमार करवाने होते हैं पता चल जाए, और बाद ऐसे लोग हैं उस जगह जाके नंबर शुमार कराते हैं जहाँ कराने नहीं चाहिए, नंबर शुमार कराना मना है, वहाँ भी वो कोशिश करते हैं। बताया नहीं, कहा नहीं, हुजूर फिर वहां से गुजरे, फरमाया उसके मकान का क्या हुआ, यार रसूलल्लाह आपको पसंद नहीं ना आया था तो गिरा दिया, अब मेरे करीम राजी हुए। अब जो दुआएं नबी करीम ने दी वो सरमाया है, अब जो महबूब के चेहरे पे उनके लिए मुस्कुराहट आई उस पर सारी दुनिया वारी जा सकती है, उस पर सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है। तो मेरे अजीज शिद्दत एहसास की हुजूर की बारगाह में, और फिर गुलामों में भी शिद्दत उसी तरह गुलामी करने की। एक बात और आपसे अर्ज करके फिर मैं अपनी बात समेटने की तरफ आता हूं, मैं आपसे अर्ज करूं इंसान अपना खुद डॉक्टर होता है, उसे पता होता है कौन सी चीज खाने से मेरी तबीयत खराब हो जाती है और कौन सी चीज़ मैं इस्तेमाल करूं तो मेरी तबीयत में इफाका होता है, ऐसा होता है कि नहीं? जल्दी जल्दी बता दो, नहीं होता तो तब भी बता दो मैं सजदा साफ कर लूं, होता है ऐसे? पता होता है ना, बहुत सारे बंदे कहते हैं ये चीज़ नहीं खानी जी मेरी तबीयत इससे ख़राब होता है ना ऐसे? तो फिर एक लफ्ज़ बोलते हैं बिलोमूम लोग, लोग कहते हैं बंदा अपना डॉक्टर खुद होता है, उसे पता होता है, मुझे भी पता है कौन सी चीज़ मैं इस्तेमाल कर लूँ तो मेरी तबीयत पर बोझ बनता है। इसी तरह ना हमें अपनी रूहानी जिंदगी का भी पता होता है, किस बंदे की सोबत में बैठूं तो मेरा नमाज पढ़ने को दिल करता है और किसके पास बैठूं तो मुझे गाफिल करता है, किसके पास बैठूं तो मुझे वसवसे आते और किसके पास बैठूं तो मेरी तबीयत में सुकून रही, हमें पता, हमें खबर होती है कि क्या
आपको आवाज आ रही है मेरी दोस्तों? ये अक्सर ये चीजें हमारे साथ होती रहती हैं। अब करने का काम ये है कि जब हमें पता चल जाता है ना ये चीज खाने से तबीयत खराब होती है, तो लाजमी जरूरत ये है कि बड़ा दिल भी चाहे तो हम वो चीज इस्तेमाल ना करें। इसी तरह कोशिश करें, जहां जाने से गफलत पैदा होती है, जहां जाने से दिल सख्त होता है, जहां जाने से हमारे दीनी और रूहानी मामलात में खराबी पैदा होती है, उन जगहों से खुद ब खुद बचें। जहां जाने से रूहानी तरक्की पैदा होती है, जहां जाने से हम समझते हैं इबादत का ज़ौक बढ़ता है, अल्लाह की जानिब तवज्जो जाती है, सुन्नत शरीयत पर अमल करने का जज्बा पैदा होता है, वहां अपने आप को ले जाएं, उन रस्तों पे चलें, अच्छी सोहबतों का इंतखाब करें, अच्छे ख्यालात के लोगों के पास बैठें। और अगर आप समझ रहे हैं कि फलां फलां चीज़ जब से मेरे जहन में आई है मामलात और के और हो गए, तो हमें खुद ब खुद उन चीज़ों से बचना चाहिए। हमने तो अपने बुजुर्गों को यही करते देखा कि वो तो कई दफ़ा बहुत शोहरत होने लगी तो उन्होंने अपने आप को बैक करना शुरू कर दिया, कहा नहीं मैं इतदाल में रहना चाहता हूँ। बहुत लोग पीछे भागने लगे तो उन्होंने सफ़र थोड़ा महदूद कर दिया कि नहीं यार ये देखे ना, कुछ लोगों को मज़ा आता है, लोग गाड़ियों के पीछे भागे तो शोर हो तो वो ऐसे ऐसे करें तो मज़ा आता है, कुछ को डर आता है, कुछ को खौफ आता है, कुछ का दिल कांपता है। वो कहते हैं कि मेरी उजरत मेरी मेहनत से ज़्यादा क्यों है, मेरे मोहसिन तेरे एहसान से डर लगता है। रब के कुछ बंदे दुआ मांगते थे, या अल्लाह अगर मैं नेक हूं तो मेरी शोहरत मेरा विकार मेरा आना जाना कहीं मुझे मेरी सारी नेकियों का अजर दुनिया में ना दे देना, इससे डरते थे। उन्हें ज्यादा ख्याल आता, फल ज्यादा लग जाए दरख्त को तो झुकने लगता है, पीछे पीछे होने लगता, बैक होने लग जाता है, कहता नहीं नहीं यार मुझे छुपना चाहिए थोड़ा सा। तो मेरे अजीज खुद थोड़ा ना अपने रूहानी तबीब बने, थोड़ा सा अपने आप पर खुद भी तो तवज्जो देना। हमने खुद भी अपने आप को बड़ा खुला छोड़ दिया है, सारा ध्यान दूसरों के रखा हुआ है, कौन क्या कर रहा है। थोड़ा ध्यान अपना रखें, अपने ऊपर थोड़ी मेहनत फरमाएं। दिल आहिस्ता आहिस्ता सख्त होते जा रहे हैं, दूसरों के बारे में राय सख्त होती जा रही है, तबसरे ज्यादा होते जा रहे हैं, बहसें ज्यादा हैं, अमल थोड़ा है और शोहरत का शौक ज़्यादा है। जो हमने नहीं किया उस पर भी हम अपनी तारीफ चाहते हैं, जो हम नहीं हैं वो भी हम कहलवाना चाहते हैं। इन चीज़ों से अपने आप को बचाएं। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमारे दोस्तों की कोशिश और काविश को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, और जिन बुज़ुर्गों के साले सवाब के लिए उन्होंने ये सारा एहतमाम किया है अल्लाह ताला उन पर ख़ास रहमत की नज़र फरमाए।